तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। तो मैंने कोई इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह नहीं की हुई है, मतलब बीटेक। तो यार सैलरी देखो, जितने भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि इतनी हाइक मिलेगी, उससे भी ज्यादा मेरे को हाइक मिल चुकी है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा रकम बताऊं तो What's up guys, welcome back to our channel Swatanya Vlogs। तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी कि आप अपना पैशन फॉलो करो और आपको उसमें सक्सेस मिल जाए। तो ऐसी ये खुशखबरी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज के व्लॉग में, सो बने रहिएगा एंड तक। वैसे टाइटल में तो आपने खुशखबरी पढ़ी ली होगी। तो जी यस, फाइनली मेरा जो प्रमोशन है वो हो चुका है और मैं अब बन चुका हूँ सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर एट Amazon। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बाय द वे, मुझे ये प्रमोशन लेने में 5 साल लग गए क्योंकि एक तो मैंने 3 बार टीम चेंज कर ली थी। होता क्या है ना, अगर आप टीम चेंज कर लेते हो तो काइंड ऑफ आपकी जितनी भी मेहनत आपने करी है वो रिसेट सी हो जाती है। तो इसलिए 3 बार जब मैं टीम मैंने चेंज करी तो मुझे दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ गया। उसके बाद फिर मैंने एक बार जॉब रोल भी चेंज कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने कंट्री भी चेंज कर ली। तो इन सब के ऐसे मेरा जो प्रमोशन है ना उसमें मेरे 5 साल लग गए। अगर ये सब चीज़ें मैंने नहीं की होती और अगर मैं अपनी पुरानी टीम में ही रह रहा होता तो शायद मेरा प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो जाता। बट कोई नहीं यार, देर आए दुरुस्त आए, हैप्पीनेस अभी भी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे पहले भी होती। और जी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं इतना तड़प सा रहा था ना, क्योंकि आपको 1-1.5 महीने पहले पता चल जाता है कि आपका प्रमोशन होने वाला है या नहीं। तो वो 1-1.5 महीने से मैं अंदर से कंट्रोल करके बैठा हुआ था कि यार कब, मतलब ये ऑफिशियल तुमने कंट्रोल नहीं किया था, तुमसे जबरदस्ती कंट्रोल ना करवाया गया था। अच्छा, मतलब कहीं पे भी हम जाने से पहले ना मैं बोलती थी बताना नहीं है अभी किसी को भी जब तक कंफर्म नहीं हो जाता, पर पेट में भात तो पचती नहीं है। कंफर्म तो था बट ऑफिशियल नहीं था। तो ऑफिशियल जो है वो अब हो चुका है, तो अब हम ये बता सकते हैं हर किसी को। तो अब ये ब्लॉग बना रहे हैं और भाई साहब मजा आ रहा है यार। अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा ड्रिंक पी के आते हैं यार, इंजॉय करके आते हैं और साथ के साथ आपके साथ भी शेयर करेंगे मेरी Amazon की जर्नी जो थी वो कैसी रही। चले चलो चलो। और यार ये जो खुशी है ना ये और डबल हो जाती अगर हमारी फैमिली हमारे साथ होती है ना। अगर फैमिली के साथ ही सब सेलिब्रेट करते तो भाई सब मस्त पार्टी शार्टी और सब लोग होते हैं, भाई सब मजा आ जाता। बट यहीं US पे रहने का ना हम यही सब चीजें जो है वो बहुत मिस करते हैं। फैमिली नहीं है तो कुछ भी छोटी से छोटी खुशियां जो भी बड़ी होती है वह सेलिब्रेट करनी पड़ती है। बट कोई नहीं, अभी यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं तो उन सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर जब जाएंगे इंडिया अगले साल हमारे जाने का प्लान होगा, है ना। हाँ, अगले साल तक ही बनेगा। हाँ, तो अगले साल प्लान होगा तो तब जाके घर वालों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो ये पहुंच चुके हम अपने बोबा लस्ट पे। तो आई गेस कॉफी के बाद ये एक दूसरी शॉप है जो हमें काफी पसंद आती है ना। तो यहाँ से उठाते हैं बोबा और फिर करते हैं आपसे बातें। क्या लेना है? तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। तो मैंने कोई इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह नहीं की हुई है, मतलब बीटेक वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है। सो मैंने BSc ऑनर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कंपनी का क्या होता है ना, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो BSc की डिग्रीज को इतना रिकॉग्नाइज करती नहीं है और आपकी ऐसी कोई जॉब लग नहीं पाएगी BSc करने के बाद। तो इसलिए मुझे फिर MCA भी करनी पड़ी। MCA मैंने करी, वो भी फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करी। फिर जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो यार Amazon जो थी ना वो पहली बार ही विजिट कर रही थी हमारे कैंपस को उस टाइम। तो सबको एक बड़ा अच्छा चांस मिला Amazon, मतलब अपॉर्चुनिटी मिली Amazon जैसी कंपनी में बैठने की और उसको क्लियर करने की। और वहाँ से मुझे चांस मिला Amazon के साथ इंटर्नशिप करने का और वहाँ से फिर मेरी ऑब्वियसली Amazon की जो जर्नी थी वो फिर स्टार्ट हुई। जो इंटर्नशिप थी मेरी Amazon के साथ ये पूरे 6 महीने चली। और भाई साहब इस 6 महीने में मैंने क्या क्या सीखा है ना यार, मतलब ऐसे ऐसी टर्म सुनने को मिलती थी हमें रोज़ रोज़ की जो हमने कॉलेज में आज तक कभी पढ़ी भी नहीं है। तो बिल्कुल ही अलग चीज़, मतलब जो आप कॉलेज में पढ़ते हो ना उसका बिल्कुल ही अलग काम आपको मिलता है Amazon में। सो 6 महीने वो सब सीखा और उसके 6 महीने के बाद आई वॉज लक्की इनफ कि Amazon की तरफ से मुझे फुल टाइम ऑफर की अपॉर्चुनिटी भी मिली। Oh,
तो ये फुल टाइम जो ऑफर मिला वो भी मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल में ही मिला। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी और मेहनत करी तो फिर मेरे को SD2 में भी कन्वर्जन मिल गया। फिर मेरा ऐसा क्या था ना कि स्टार्टिंग से ही मुझे ना UI में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता था कि फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट वगैरह में काम करने में ना मेरे को अलग मज़ा आता था। तो इसलिए जब मैं इंडिया से US मूव हो रहा था तो मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई करते हैं यार। तो उस टाइम पर फ्रंट एंड इंजीनियर रोल जो था वो अमेज़न में नया नया आया था, तो अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार इसको तो ट्राई किया जा सकता है, मगर वो होता है ना कि एकदम से अलग सी चीज़ आप ट्राई करने जाओगे तो थोड़ा डर सा लगता है। तो मेरे साथ वैसे ही हो रहा था कि यार ये इसको ले तो लूँगा बट क्या इसमें मैं आगे सक्सीड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कि करियर मेरा ख़राब ना हो जाए, तो थोड़ी ऐसी बहुत फीलिंग आ रही थी। बट वो कहते हैं ना कि फॉलो योर गट फीलिंग्स, तो मैंने बस वही फॉलो करी, फ्रंट एंड इंजीनियर रोल लिया, US आया और तो उसमें 3 साल लगाए और फाइनली यार प्रमोशन मिल चुका है। तो बहुत बढ़िया फीलिंग है ये कि आप जो चूज़ करो और आप उसमें सक्सीड हो जाओ। बाय द वे अगर आपको ये जानना हो कि मैंने SD से FEV में क्यों कन्वर्ट किया तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना। सो अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे ना तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। तो अभी चलते हैं घर वापस। तो ये सब तो ठीक है, तुमने पूरे राम कथा जो है वो गा दी कि हाँ तुम्हारा प्रमोशन कैसे हुआ, कैसे तुम यहाँ तक पहुंचे। अब जनता तुमसे जानना चाहती है कि तुम्हारी सैलरी जो है वो सैलरी कितनी बड़ी है, वो तो बता दो भाई। सही में सैलरी बता दे क्या? सही बताओ, बता दे क्या? तो यार सैलरी देखो, जितने भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि इतनी हाइक मिलेगी, उससे भी ज्यादा मेरे को हाइक मिल चुकी है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा रकम बताऊं तो 1.5 करोड़ बोल भी नहीं पा रहा यार 1.5 करोड़ होता है ना, उस मार्क को भी बियॉन्ड मतलब मेरी सैलरी पहुंच चुकी है, जितनी मैंने आज तक कभी सोची नहीं थी कि भाई साहब कमा भी पाएंगे पैसे। मैं आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस, मगर आप गूगल वगैरह पे जाके ना सर्च कर सकते हो कि एक सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर की अमेजोन में कितनी सैलरी होती है। बट यहाँ पे ना एक कैच होता है, तो जैसे 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी मतलब कंपनीज पे करती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी सैलरी जो है वो इन हैंड मिल जाती है। एक्चुअली ये कंपनी क्या करती है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो एक तो होता है इन हैंड जो कि आपको हर महीने मिलेगा, और एक होते हैं स्टॉक्स जो कि आपको हर महीने नहीं मिलते। अब मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि यार कंपनी कितना मतलब परसेंट जो है वो आपको इन हैंड कैश देती है हर महीने और कितना स्टॉक्स में दे देती है, बट मैंने जनरली इतना देखा है कि 70-80% जो होता है ना वो आपको हर महीने मिलता है, बाकी जो 20% या जितना भी रेवेन्यू रह जाता है उसका कंपनी आपको स्टॉक दे देती है। और स्टॉक भी ऐसा नहीं होता कि आपको उसी साल मिल जाएंगे, वो आपको 2 साल बाद मिलते हैं। तो आपको 2 साल कंपनी में रहना पड़ेगा वो स्टॉक लेने के लिए। फिर क्या कंपनी क्या करेगी, उस 2 साल बाद फिर आपको दोबारा स्टॉक दे देगी, फिर वो स्टॉक लेने के आपको फिर 2 साल और वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो ये भी कंपनी स्ट्रेटेजी लगाती है ताकि आप कंपनी छोड़कर ना जाओ और कंपनी में ही लगे रहो। और दूसरा कैच यहाँ पे आता है कि जो इंटरनली आप प्रोमो लेते हो ना, तो आपको इतनी हाइक नहीं मिलती देन कि आप सेम लेवल पे किसी और कंपनी में जाके हायर हो जाओ, वो कंपनी आपको ज़्यादा पे करेगी देन योर करंट कंपनी अगर आप इंटरनली प्रमोशन लेते हो तो। बट एक्सटर्नली प्रमोशन का हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यार अभी तक हम L1 वीज़ा पे हैं, H1 हमारा लगा नहीं है अभी तक, तो हम कोई कंपनी अभी चेंज नहीं कर सकते। तो अमेजोन इज़ दी ओनली ऑप्शन फॉर अस। मगर जितनी भी सैलरी भी मिल रही है ना भाई साहब, मेरे लिए बहुत है वो। एंड दैट वॉज इट फॉर दिस ब्लॉग गाइज। आई नो ये ब्लॉग थोड़ा सा छोटा हो गया, बट एक्चुअली मुझे ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और जल्दी मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप एंजॉइंग। बाय बाय।